हमारे सारे आए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ तालीम महकमा जो सबके ऊपर है, जो सरबराही करता है महकमा जात की, और उसको जो है सैलरी है उसको दी जाती है 26, 27, 28। हमारी जो है इन दिनों में मीटिंग जो है हमारे यूटी प्रेसिडेंट श्री भूपेंद्र सिंह भी कर रहे हैं, और वो हाल ही में जो है सेक्रेटरी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है मीटिंग कर रहे हैं और ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो सैलरी है टीचर्स की कम से कम जो है ये अगर 1, 2 या 3 को हो जाए तो इससे ज़हनी तौर पे जो है उस्ताद वो अच्छे तरीके से काम करेगा, और इससे ऑटोमेटिकली जो है लोग और बच्चे और आवाम को भी फ़ायदा होगा। अगर एक उस्ताद जो है ज़हन से बिल्कुल जो है ताज़ा तरीन है तो मेरे हिसाब से वो एजुकेशन को ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। तो ये एक परेशानी आपके माध्यम से हम यूटी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि सैलरी का इशू जो है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, इससे पहले कि उस्ताद बरादरी जिनका काम स्कूल में पढ़ाना है वो सड़कों पे उतरे, उससे पहले इस मामले का हम हाल चाहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, आज एक मीटिंग हमने जेके टीए के बैनर थले जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जोरी में आयोजित की है। इस मीटिंग का मेन मकसद ये है कि जो हमारी जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्रोविंस लेवल की जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो टीचर्स की प्रॉब्लम है, वो उनको हमने डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले आज जो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि सैलरी की, क्योंकि आज 20 हो गई है, 20 तक अभी तक हमारी सैलरी हमारे उस्ताद समान किसी टीचर डिपार्टमेंट में किसी की सैलरी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी एक महीने के बाद अगर सभी डिपार्टमेंट की 5 तक सैलरी हो जाती है तो हमारी सैलरी 5 तक हो जानी चाहिए। क्यों क्यों 20 तक जाती है, कई बार 25 तक चली जाती है, कई बार नेक्स्ट मंथ में आती है। तो इसका मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या एलजी साहब से या सीओ साहब से ये मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हमारी सैलरी का मुद्दा जो है वो स्ट्रीमलाइन में हो, और वो सैलरी हमें 1 तारीख, हर ये हमारा हक है, क्योंकि सैलरी हमें 1 तारीख से 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए। तो और मुद्दे तो हमारे जैसे कि अब ट्रांसफ़र ड्राइव्स हुआ है, वहाँ पर हमें ट्रांसफ़र ड्राइव हुआ तो वहाँ पर कई स्कूल ऐसे हो गए जहाँ पर ट्रांसफ़र हुए वहाँ पर पोस्टेज वैकेंट हो गई हैं, वहाँ पर वो उन स्कूलों में भी टीचर्स की कमी हो गई है, और टीचर्स की कमी होने की वजह से हमारे टीचरों को भी प्रॉब्लम आ रही है। कई स्कूल में ऐसे है कि रोल 70-70 है, ये 2-2 टीचर चला रहे हैं, तो वो काम चल नहीं रहा। इससे हमें ये भी मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, इस पर भी गौर किया जाए।